नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ध्यान के बारे में। अगर आप 21 दिन तक लगातार ब्रह्मचर्य में ध्यान करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में कौन कौन से बदलाव आते हैं। सबसे पहले ध्यान क्या होता है और ध्यान कैसे किया जाता है। ध्यान का मतलब होता है कि आप एक ही चीज़ पर अपना फोकस यानी एकाग्र शक्ति डालें और उसके अलावा आपके दिमाग में कोई दूसरा थॉट नहीं आना चाहिए। ऐसा करने पर आपकी एकाग्र शक्ति बढ़ने लगती है। अब ये कैसे किया जा सकता है? जब आप शुरुआत में ध्यान करते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं, इससे आपको पता भी नहीं चलता कि आपके दिमाग में थॉट आते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको एहसास होता है कि आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट आ रहे हैं। तो सबसे पहले ध्यान करना कैसे है, आपको क्या करना है। सुबह जल्दी उठना है और शाम को सोने से पहले आपको ध्यान जरूर करना है। आपको एक ही चीज़ पर फोकस करना है। सबसे पहले या तो आप अपनी सांसों पर फोकस कर सकते हैं, जहाँ आपकी नाक होती है, जहाँ आपकी सांसें अंदर बाहर जाती है, वहाँ आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से आपकी सांसें अंदर जा रही है और आपकी सांसें बाहर आ रही है। बस आपको लगातार 5 से 10 मिनट इसी चीज़ पर फोकस करना है और आपके दिमाग में दूसरा थॉट नहीं आना चाहिए। हो सकता है कि शुरुआत में आपको थॉट आए तो आपको जस्ट आपके दिमाग में सोचना है कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। जैसे आप ये सोचते हैं तो आपके दिमाग में थॉट आना बंद हो जाते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, 5 से 10 मिनट आपको डेली मेडिटेशन करना है और आपको अपनी सांसों पर ध्यान देना है, या फिर आप ओम का भी, इस पर भी आप कंसंट्रेट कर सकते हो। आपके दिमाग में केवल ओम की इमेज चलनी चाहिए, उसके अलावा आपके दिमाग में दूसरा थॉट नहीं आना चाहिए। जैसे आप अपने दिमाग में थॉट आते हैं, आपको फिर से अपनी चीज़ पर, उसी चीज़ पर फोकस करना है, ताकि आपका दिमाग एकाग्र और फोकस करने की शक्ति अपने आप बढ़ जाए। जब आप ये करेंगे तो शुरुआत में हो सकता है आपके थॉट आए, लेकिन धीरे धीरे देखेंगे कि आपके दिमाग के अंदर थॉट आना धीरे धीरे बंद हो रहा है, जिसके चलते आपका दिमाग, अब कंसंट्रेशन और फोकस करने की शक्ति आपके दिमाग की बढ़ जाती है। अब आपका दिमाग इधर उधर नहीं भागता। जो थॉट आपके दिमाग में बहुत सारे आते रहते हैं, वो थॉट धीरे धीरे आना बंद हो जाते हैं, जिसके चलते आपकी एकाग्र शक्ति बढ़ जाती है। अब किसी चीज़ पर आप आराम से फोकस डाल सकते हैं। दूसरा, आजकल जो लोगों में आप देखते हैं बहुत ज़्यादा एंजाइटी यानी तनाव रहता है। जब आप ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगता है। आपके दिमाग में जब थॉट्स नहीं आएंगे तो धीरे धीरे आप ओवर थिंकिंग से बचेंगे, जिसके चलते आपको धीरे धीरे तनाव कम होने लगेगा और इस तरह से आपकी अर्ज भी इससे कंट्रोल होने लगती है, क्योंकि अब आपका दिमाग आपके कंट्रोल में होने लगता है। जैसी चीज़ों के बारे में आप सोचते हैं वैसे ही आपका दिमाग काम करने लगता है, इसलिए आपका दिमाग फोकस रहता है, आपका दिमाग शांत होने लगता है। और जब दिमाग शांत होता है तो अलग अलग चीज़ों की तरफ नहीं भागता, जिसके कारण आपका दिमाग एक ही जगह फोकस होता है और आपको गंदे ख्याल नहीं आते। इसीलिए आपको कम से कम 21 दिन तक ये चैलेंज जरूर लेना चाहिए कि अगले 21 दिन तक आपको कम से कम 5 से 10 मिनट आपको ध्यान जरूर करना चाहिए। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। Thank you.